लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस खेमे में आई बड़ी खुशी। कर्नाटक में बजा कांग्रेस का डंका। बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ। कांग्रेस ने हासिल की ताबड़तोड़ जीत। निकाय चुनाव में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। जो लोग अब तक कहते थे कि लोकसभा में भाजपा की प्रचंड जीत मोदी लहर की जीत है और हार छुपाने के लिए विपक्ष नाहक ही ईवीएम को दोष दे रहा है, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है। और कर्नाटक के निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी जीत ने साबित कर दिया है कि लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा झोल हुआ था और भाजपा ईवीएम माता की जय बोलकर चुनाव जीती थी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ सीट लाने वाली भाजपा को आज बैलेट पेपर से होने वाले कर्नाटक निकाय चुनाव में सीट के लाले पड़ गए और वो कांग्रेस के आगे पूरी तरह धराशायी हो गई। सोचिए कि 8 दिन पहले लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो कर्नाटक में कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज जब उसी कर्नाटक में निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं तो कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव में डिब्बा अचानक कैसे गोल हो गया। तो भाई साहब, ये सच है और 100% सच है, और इसके पीछे का कारण आपको हैरान कर देगा, क्योंकि कर्नाटक के निकाय चुनाव में ईवीएम माता की जगह बैलेट बाबा का इस्तेमाल हुआ था और जैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव हुए भाजपा की लुटिया डूब गई। आइए आपको बताते हैं कि कर्नाटक निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है। तो कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन को बड़ी बढ़त मिली है। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन ने शहर नगर परिषदों में 8 में से 5 सीट पर, टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल्स में 33 में से 21 और तालुका पंचायतों में 22 में से 9 पंचायतों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने कुल 485 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी 358, जनता दल 152 और निर्दलियों ने 152 वार्ड पर जीत हासिल की है, जबकि 200 वार्डों के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। कांग्रेस की जबरदस्त जीत को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन 200 सीटों में से भी ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में ही जाएंगी। बता दें कि कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के 8 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव में हार गए हैं, जबकि 17 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। सोचिए कि अगर लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से होते तो आज क्या नतीजे होते, और अगर कर्नाटक निकाय चुनाव ईवीएम से होते तो भाजपा 1000 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा चुकी होती। द लाइफ टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।